वही केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 313 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं। हादसे के चार दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। 105 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं बिना बारिश वाले शवों का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौसम विभाग ने जहां आज 2 अगस्त भी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गुरुवार देर रात इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं और केरल जिले में प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस कठिन समय में हम भारत के साथ हैं। रेस्क्यू में जुटे लोगों की बहादुरी की हम सराहना करते हैं। ऑपरेशन का सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फादेस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहां पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जैसे और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहां पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपने अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। और जहां जहां शक है कि यहां पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है।